गुड मॉर्निंग सर। सर योर वॉइस नॉट अब एग्जाम के बारे में आपको बताया जाएगा जी। आने के बाद सर यूनिट सेकंड नहीं होगा? हाँ होगा 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 यूनिट सेकंड सर। हाँ यूनिट सेकंड होगा बेटा, स्कूल खुलने के बाद यूनिट सेकंड। हाँ तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कलम लोग आपका देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, और इसके बाद हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के बारे में हमने चर्चा कर दिया था, प्रिवेंशन के बारे में हम कल आपका चर्चा कर रहे थे। हल्का हमने कुछ कुछ चर्चा किया था जिसमें हमने ये बताया था कि कुल मिलाकर के जैसे डिजीज, अगर एयरबॉर्न डिजीज है तो यहाँ पर कैसे हम बचाव करेंगे एयरबॉर्न डिजीज। दूसरा इसी के अंदर अगर देखें तो वाटर बॉर्न भी डिजीज होती है, आपका वाटर बॉर्न डिजीज। और तीसरा आपका वेक्टर बॉर्न डिजीज। अगर आपका एयरबॉर्न डिजीज है, म्यूट कर देना जरा, अगर एयरबॉर्न डिजीज है तो एयरबॉर्न डिजीज के अंदर हम क्या करते हैं कि ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जो कि स्पेस वाला हो,
स्पेस वाला हो, अगर स्पेस वाला एरिया होगा तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम होगी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कम होगी तो हम प्रिवेंटेड रहेंगे, यानी कि डिजीज फैलने की संभावना कम होगी। अगर बात करें वाटर बॉर्न डिजीज की, तो अगर हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगा, यानी कि साफ पानी अगर आपको मिलेगा पीने के लिए, तो इसके अंदर आपके कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाएंगे, या कॉलरा वगैरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके नहीं पाए जाएंगे। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर आपको मिलेगा तो इसमें माइक्रोब्स की संख्या नहीं होगी। अगर माइक्रोब्स की संख्या नहीं होगी तो आप पता चला बीमार नहीं पड़ेंगे। तीसरा, वेक्टर बॉर्न डिजीज में अगर देखें तो फ्लाइज और मॉस्किटोज, अगर आपके फ्लाइज और मॉस्किटोज नहीं होंगे किसी एरिया में तो आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं होगी। मगर फ्लाइज और मॉस्किटोज कब नहीं हो सकते? फ्लाइज और मॉस्किटोज तब नहीं होंगे जब आपके एरिया में आपका ओपन गार्बेज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गार्बेज, ओपन गार्बेज नहीं होगा, और इसके अलावा कह सकते हैं ओपन ड्रेन नहीं होगा, आपका ओपन ड्रेन नहीं होगा। अगर ड्रेन नहीं पाया जाएगा, ड्रेन मतलब नाली, और इसके अलावा गार्बेज नहीं पाया जाएगा, तो वहां पर आपके वेक्टर बॉर्न डिजीज होने की संभावना नहीं रहेगी। और इस तरीके से कह सकते हैं कि हम प्रिवेंशन कर पाएंगे जो होने वाले डिजीज है उससे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। अगला चीज अगर देखा जाए तो एक चीज और है, इन सब के अलावा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इम्यूनिटी सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा तब जाकर के आप बीमारी से आसानी से लड़ पाएंगे। और ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग कब होगा? ये स्ट्रांग तभी हो सकता है जब आपको कैसा डाइट मिले? बैलेंस डाइट मिले। कैसा डाइट मिले? बैलेंस डाइट। अगर बैलेंस डाइट आप लेते हैं जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे चीज अगर पाए जाते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी, और यू विल नॉट फॉल इल, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये तो आपका जनरल मेथड हुआ, जिस तरीके से कह सकते हैं आप प्रिवेंट कर सकते हैं किस चीज से? बीमारी से। अब कुछ स्पेसिफिक भी, इस जनरल के अलावा कुछ स्पेसिफिक भी तरीके होते हैं जिससे कि हम बीमारी से लड़ने की क्षमता डेवलप करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल हम आपका स्पेसिफिक वाले में किसका ले लेते हैं? पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स का नाम सुना होगा, जो कि एक समय में एक बहुत बड़ी इपिडेमिक थी, एक बहुत बड़ी बीमारी थी जो फैलती थी तो पूरे गांव के गांव खत्म हो जाते थे। मगर आज के समय देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स आपका कोई ऐसा डिजीज नहीं है, बड़े आसानी से ये आती है और दो चार दिन बाद आपकी ये कंट्रोल हो जाती अपने आप ही। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इसी में आपका दूसरा स्पेसिफिक प्रिवेंशन, पहला वाला जनरल था और ये वाला आपका स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक में अगर देखें तो आप जैसे स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं, तो स्मॉल पॉक्स पहले जब आता था तो स्मॉल पॉक्स के वजह से कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एरिया आपका सफर करता था, और कह सकते थे जिस गांव में भी ये बीमारी आती थी उस गांव के लगभग लोग, ऑल द पीपल डाइज आउट, लगभग मर जाते थे, डाइज आउट। सम ऑफ देम, कुछ उसमें से बच जाते थे, सम ऑफ देम सर्वाइव विथ द
स्कार मार्क, उनके चेहरे पे बहुत बड़े बड़े निशान पड़ जाते थे और उसके बाद वो सरवाइव कर पाते थे। और दोबारा कभी ये स्मॉल पॉक्स अगर अटैक करता था, ये स्मॉल पॉक्स अगर दोबारा कभी अटैक करता था तो पता चला लोग गांव छोड़ करके चले जाते थे। क्या करते थे? लीव द विलेज, गांव छोड़ करके भागना शुरू कर देते थे। और केवल गांव वालों की देखभाल करने के लिए वही व्यक्ति करता था जो व्यक्ति कह सकते थे पहले स्मॉल पॉक्स से सफर कर लिया रहता था। द पीपल हु हैव ऑलरेडी रेडी सफर्ड already suffered from pox, take care of the sick people, देखिए तो हम आपको ये बता रहे थे कि स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी जो बीमारी पहले बहुत ही खतरनाक बीमारी थी और एक बार आ जाने के बाद कह सकते हैं कि ये सबका जितने भी लोग होते थे ऑलमोस्ट उनमें से मर ही जाते थे या कुछ लोग जो बचते भी थे उनके भी पूरे चेहरे या शरीर पे निशान बन जाता था और वो बड़े मुश्किल से सर्वाइव कर पाते थे। और वही अगर स्मॉल पॉक्स का दोबारा अटैक होता था तो पता चला गांव लोग छोड़ करके भाग जाया करते थे, केवल वही व्यक्ति गांव में रह जाता था जिसको पहले स्मॉल पॉक्स हो चुका है और कई दाग के साथ वो जिंदा बच जाता था, वो उन लोगों की सेवा करता था। यानी कि इस बात से ये साबित हो जाता है कि जिसको एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है उसके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप ही डेवलप हो जाती थी। और यही चीज को देख करके कुछ इंडियन और कुछ चाइनीज, इन लोगों ने भी क्या देखा कि एक डिजीज इसी तरीके से पाई जाती थी, पॉक्स टाइप की वायरस से होने वाली डिजीज, तो उसमें ये क्या करते थे कि जो पस होता था उसी को लेकर के बॉडी के ऊपर लगाया जाता था या लगाते थे जिससे कि ये मानते थे कि वो व्यक्ति इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप कर जाती है और वो आइंदा इस रोग से ग्रसित नहीं होगा। एडवर्ड जेनर जो पहले वैक्सीनेशन जिन्होंने बनाया था, इन्होंने क्या देखा कि आपका स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स ये दोनों वायरस के वजह से होने वाले रोग हैं, दोनों के दोनों वायरस के वजह से होते हैं। और स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है ये काफी हद तक मिलता जुलता है काउ पॉक्स के वायरस से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्मॉल पॉक्स का इलाज निकालने के लिए काउ पॉक्स, जो आपका काउ पॉक्स का वायरस था, ये लोगों के बॉडी के अंदर इन्होंने इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। अब जब काउ पॉक्स का इंजेक्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने वैक्सीन, तो उसके बाद पता चला क्या हुआ कि जो काउ पॉक्स का वैक्सीन ले चुका होता था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। अब वो सारे के सारे लोग सेफ हो गए, किस चीज से, आपका काउ पॉक्स का वैक्सीन लेने की वजह से अब उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। और आज के समय भी यही होता है कि जब हम वैक्सीनेशन लेने जाते हैं तो काउ पॉक्स का वैक्सीन लगता है और काउ पॉक्स का वैक्सीन लगने की वजह से हमें स्मॉल पॉक्स होता ही नहीं है। और अगर मातादाई निकलती यानी कि स्मॉल पॉक्स होता है तो उसका इफेक्ट बड़ा कम होता है। इफेक्ट कम इसलिए होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत डेवलप रहता है और वो आसानी से उससे लड़ जाता है और लड़ने के बाद कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स के माइक्रोब्स की संख्या को कम कर देता है या उसे मार देता है। तो ये आपका पहला वैक्सीनेशन का खोज इस तरीके से एडवर्ड जेनर ने किया जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब रही बात, ये वैक्सीनेशन शुरू में तो केवल स्मॉल पॉक्स के लिए निकला मगर बाद में ये बहुत सारी डिजीज के लिए प्रयोग किया जाने लगा, जैसे टीबी हो गया, डिप्थेरिया हो गया, पोलियो हो गया, टेटनस हो गया। मगर ये सारे चीजों के लिए वैक्सीनेशन आज के समय उपलब्ध है, मगर उपलब्ध होने के बावजूद भी ये जरूरी है कि ये प्रॉपर वे में सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो या सारे लोग को लगे। अब इसके लिए
ये जरूरी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपके पाए जाते हैं, सीएससी हो गए चाहे पीएससी हो गए, यानी कि चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल हो चाहे आपके विलेज लेवल पर हॉस्पिटल हो, उन सारे जगह ये सारे के सारे वैक्सीनेशन पाए जाएं, ताकि बच्चे जो पैदा हो और लगभग एक साल तक जितने आपके वैक्सीन देने हैं वो सारे बच्चों को लग सके, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना पैसे के। और आज हमारी गवर्नमेंट इसके लिए प्रोग्राम लॉन्च करती है और सारे बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगता है या वैक्सीन उनको लगाया जाता है, जिससे कि कुल मिलाकर के वो फ्यूचर के कई डिजीज के प्रति इम्यून हो जाते हैं और उनको वो बीमारियां नहीं हो पाती है। हालांकि नेचर में रहने के साथ ही कई ऐसे भी चीज होते हैं जो कि कह सकते हैं कि हमारे अंदर अपने आप ही इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है, जैसे हेपेटाइटिस का वायरस है एक जो कि जॉन्डिस आपका क्रिएट करता है, मगर इसका जो वायरस होता है वो हमारे नेचर के अंदर वाटर के अंदर ही पाया जाता है। और आमतौर पे 5 साल तक का बच्चा अगर वाटर कंज्यूम करता है तो ये हेपेटाइटिस वायरस उसके अंदर एंट्री कर जाती है। अब ये बताएं क्या इसका वैक्सीनेशन लेना जरूरी है अगर हम 5 से ज्यादा साल के हो गए तो? तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर 5 साल से हम ऊपर हो गए हैं तो हमें इस वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि 5 साल के अंदर ही हमारे अंदर हेपेटाइटिस वायरस का जो आपका क्या होगा माइक्रोब वो इंट्री कर चुका है और इम्यूनिटी सिस्टम हमारी डेवलप कर चुकी है। ऐसे पोलियो का है, पोलियो स्टार्टिंग स्टेज में तो हमारी आवश्यकता होती है कि पोलियो का वैक्सीन हम ले जब हम बच्चे होते हैं, मगर अगर मेरी उम्र का कोई हो गया है या इतना बड़ा हो गया है तो अब क्या आवश्यकता है कि पोलियो का वैक्सीन हम ले? नहीं, क्योंकि हम पहले ही अब कह सकते हैं उस वायरस, वो वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर चुका है और इंटर कर चुका है हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो चुका है और अब हमें पोलियो नहीं हो सकता है। तो एक स्टेज होता है, इसीलिए जितने वैक्सीनेशन होते हैं वो सारे के सारे स्टार्टिंग स्टेज में यानी कि बच्चा के पैदा होने से लेकर के और लगभग 1-1.5 साल तक ही लगते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो रेबीज, रेबीज भी एक वायरस है जो कि किसके अंदर पाया जाता है, वाइल्ड एनिमल के अंदर पाया जाता है, जैसे जैकाल हो गए, डॉग हो गए, मंकी हो गए, इनके अंदर पाया जाता है। और ये वायरस के लिए भी आपका टीकाकरण का इस्तेमाल किया जाता है या वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और वैक्सीनेशन दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, या तो ह्यूमन बीइंग के अंदर वैक्सीन का इस्तेमाल करें या तो फिर एनिमल्स के अंदर ही वैक्सीन का इस्तेमाल करें, यानी कि किसी को वैक्सीन हम दे सकते हैं। वैक्सीन देने से होता है क्या है कि इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर जाता है और उस आदमी को अगर कुत्ता काट भी लेता है तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या बंदर काट लेता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अगर एनिमल्स को आपने लगा लिया है तो उससे भी क्या होता है कि अगर वो काटेगा तो उस कुत्ते के जरिए या मंकी के जरिए आपका रेबीज वायरस आपके बॉडी के अंदर इंटर नहीं करेगा और आप सेफ रह पाएंगे। तो दोनों तरीका हो सकता है, या तो जानवर को ही लगा दिया जाए या तो फिर मनुष्य के अंदर ये वैक्सीनेशन हो जाए, और ये टाइम टू टाइम 6-6 महीने या 1-1 साल पर लगाए जाते हैं। हाँ, बाकी किसी कुछ पूछना है इसमें? हाथ खड़ा करें। अभिनव सिंह, सर चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों अलग अलग हैं? चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ये दोनों एक ही है बेटा, काउ पॉक्स अलग है। काउ पॉक्स जो होता है ये आपके गाय के अंदर होने वाली बीमारी है, या गाय से जुड़े हुए जो लोग दूध वगैरह दूहते हैं उनके अंदर पाया जाता है काउ पॉक्स। इसीलिए आपका नाम जो वैक्सीन आया ये वैका शब्द से आया, वैका का मतलब होता है काउ। तो काउ पॉक्स जो होता है वो काउ पॉक्स इन लोग के अंदर पाया जाता है जो दूध दूहते हैं, या गाय वगैरह के अंदर पाया जाता है, उसमें भी हल्के फफोले जैसे पड़ जाते हैं और उसी का जो आपका कह सकते वायरस होता है उसी को लेकर के इंजेक्ट किया था एडवर्ड जेनर ने मनुष्यों के अंदर, जिससे कि जो चिकन पॉक्स और कह सकते काउ पॉक्स दोनों के वायरस होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो जिसको काउ पॉक्स का वैक्सीन लग गया उसको चिकन पॉक्स होने की संभावना नहीं रहती है। और
सर ये आमतौर छोटे बच्चों में ही पाया जाता है ना? क्या चीज सर? चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स? नहीं बेटा, किसी के अंदर पाया जा सकता है, मगर कुल मिला करके अगर छोटी उम्र में मान करके चलिए चिकन पॉक्स या काउ पॉक्स, काउ पॉक्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, चिकन पॉक्स हो जाता है, और उसको मान लीजिए काउ पॉक्स का वैक्सीन नहीं लगाया, तो हो जाएगा कि ज्यादा संभावना है कि वो मर जाएगा। मगर अगर हमारी बात करें तो हमें तो पहले ही काउ पॉक्स का वैक्सीन लग चुका है, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो चुका है, तो हमें अगर चिकन पॉक्स होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 दिन के लिए रहेगा। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि दवा की कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, केवल साफ सफाई का ध्यान रखना है, अच्छे डाइट का ध्यान रखना है, और वो 5-6 दिन के अंदर अच्छे कपड़े। व्हाट इट? थैंक यू सर। थैंक यू सर। हो गया सर? समझ में आया? हाथ यस सर। यस सर। हाथ नीचे कर ले। हाँ, ये MDNS 17-17-17। हाँ बोलो सर। जो पोलियो ड्रॉप होता है जो बच्चों को पिलाया जाता है, ये भी एक तरह का वैक्सीन है? हाँ, ये भी वैक्सीन है बेटा, ओरल वैक्सीन है, यानी कि मुंह से देने वाला वैक्सीन है। और इससे क्या होता है, पोलियोमिलाइटिस की वजह से पोलियो पाया जाता है, ये भी वायरस ही होता है। पोलियोमिलाइटिस जो वायरस होता है, उस वायरस का डेड करके या वीकेंड करके उसको या तो मार दिया जाता है या कमजोर कर दिया जाता है, और फिर वो कह सकते हैं आपका वैक्सीन ओरल के रूप में यानी कि मुंह के रास्ते दिया जाता है बच्चों को, जिसके वजह से उनके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर जाती है और भविष्य में उनको पोलियो होने की संभावना नहीं रहती। दीपांशु, सर जितने वैक्सीन होते हैं कमजोर कर दिया जाता है ना? सर जितने वैक्सीन होते हैं सबको कमजोर कर दिया जाता है ना? सारे वैक्सीन, या तो उसको कह सकते वीकेंड यानी कि कमजोर कर दिया जाता है, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार करके और उसके बाद आपके बॉडी के अंदर डाला जाता है ताकि वो आपको बीमारी ना पैदा करे, बल्कि केवल आपका जो WBC है वो पहचान जाए कि हाँ ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं और वो अपना इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप कर ले। समझ में आ गया? दीपांशु ओके। प्रियांशु प्रियांशु कुमार सर इम्यूनाइजेशन को थोड़ा बता दीजिए। क्या आप बोल रहे हो? फिर से बोले। इम्यूनाइजेशन इम्यून सिस्टम का डेवलप करना बाय यू कैन से इंजेक्टिंग द डेड और द वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके और इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट करने की प्रक्रिया को ही इम्यूनाइजेशन कहते हैं। समझ में आया? जैसे अभी आपका वैक्सीनेशन कोविड का चल रहा है, फर्स्ट डोज आपने लिया, सेकंड डोज आप लोग ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि कुल मिलाकर के जब बॉडी के अंदर जा रही है तो आपका कोविड जो वायरस है, इस वायरस के प्रति ये आपका इम्यून सिस्टम या WBC स्ट्रॉन्गर हो जा रहा है, और भविष्य में अगर मान करके चलिए संक्रमण आता है तो उससे आसानी से वो लड़ पाएगा। आवाज नहीं आ रही, आवाज सही कीजिए। प्रियांशु आवाज नहीं आ रही बेटा। सर सब कट कट के आ रही आवाज, पता नहीं चल रहा है, फिर से बोले। चलिए जुबेर, हेलो सर। हाँ जुबेर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलो सर। जैसे हम लोग कोई लॉन्ग डिजीज हो गया, जैसे क्रॉनिक डिजीज, हम लोग मेडिसिन लेते हैं। हाँ, तो ज्यादातर मेडिसिन लेने से लीवर खराब होता है ना? हाँ, मेडिसिन लेने से लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है।
तो कौन सा ऐसा सर कैटेगरी है जैसे कि आयुर्वेदिक है, होम्योपैथ है और अंग्रेजी दवा है, कौन सा दवा लेंगे तो सही रहेगा? अंग्रेजी को छोड़ चलाएंगे तो बाकी तो। अंग्रेजी को छोड़ करके बाकी सारी दवा ऐसे है जिसका इफेक्ट लीवर पे कम से कम होता है, और अंग्रेजी दवा ऐसी है जो तत्काल राहत तो दे देती है मगर इसका इफेक्ट लीवर और किडनी दोनों के ऊपर पड़ता है, ये ज्यादा हानिकारक है। मगर हमें तत्काल रिलीफ के लिए अंग्रेजी के अलावा बाकी विकल्प सही नहीं लगते हैं क्योंकि वो तत्काल राहत नहीं देते। अब आपको अगर दर्द हो रहा है और आपको हल्दी वाला दूध पिलाया जाए तो बताओ दर्द से राहत मिलेगी? आपको कम से कम लग जाएगा 8 दिन हल्दी वाला दूध पीने में, तब जाकर के राहत मिलेगी। और अगर एक पैरासीटामॉल खा लेंगे तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा, तो कौन सा तरीका आप अपनाएंगे? सर पैरासीटामॉल वाला। वही बात यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है, पेशेंस नहीं है, उतना बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। हमारे पुराने लोग जो थे वो करते थे ये काम और इसलिए वो ज्यादा स्वस्थ थे, उनका लाइफ स्पेन भी लंबा था। ओके, डाउन योर हैंड, जो पूछता जाए वो अपना हैंड्स कम से कम डाउन कर ले। सर जो अंग्रेजी मेडिकेशन लेने से जो लीवर पड़ता है, कौन बोल रहे हो? सर अभिनव। जो अंग्रेजी जो मेडिकेशन होता है उसको लेने से अगर लीवर को कोई इफेक्ट पड़ता है तो सर वो बाद में फिर लीवर पे, फिर से बोले लीवर पे। हाँ, अगर सर जैसे अंग्रेजी मेडिकेशन जो लेते हैं उस पे अगर लीवर पर इफेक्ट पड़ता है तो सर वो फिर से सर उसका जो वर्किंग होता है सर वो अच्छा हो जाता है ना? नहीं, ये तो डिपेंड करता है, वो रिकवर हो जाता है ना उसका इफेक्ट ना बेटा? सुनो, ये आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि कुल मिलाकर के वर्किंग तो ठीक है, लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, मगर प्रयास यही करें कि कम से कम। और रही बात आपका डाइट, अगर बढ़िया रहेगा तो लीवर के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप सलाद वगैरह का यूज ज्यादा करें, ऑयली चीजों को अवॉइड करें, मसाले वगैरह स्पाइसेस वगैरह का इस्तेमाल कम करें, तो आपका लीवर स्ट्रॉन्गर रहेगा तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। मगर अगर एक साथ आप सारे गलत काम कर रहे हैं, जैसे दवा भी पी रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं, स्पाइसेस भी खा रहे हैं, इसके अलावा ऑयल भी खा रहे हैं, तो भैया कितना झेलेगा यार आपका लीवर? समस्या यहाँ से, ऐसा नहीं कि केवल एक कारण होता है, केवल दवा जिसकी वजह से आपका लीवर खत्म हो जा रहा है, बहुत सारे कारण। हाँ अरिजीत सिंह सर, काउपॉक्स का क्या सिस्टम होता है? काउपॉक्स बेटा आमतौर पे गाय भैंस यानी कि दूध देने वाले जानवरों के अंदर या उसके साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसके अंदर पाया जाता है। काउपॉक्स के अंदर भी छोटे छोटे घाव हो जाते हैं जैसे चिकन पॉक्स के अंदर होते हैं, और उसके बाद कह सकते हैं, मगर वो इतना ज्यादा आपका परेशान करने वाला नहीं होता, आमतौर पे 6-7 दिन के अंदर रिकवरी हो जाती है, ये भी वायरस के वजह से ही होता है। अब ये चीज एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया था कि काउपॉक्स होता है तो आदमी कुछ इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो सर्वाइव कर जाता है, मगर अगर चिकन पॉक्स होता है तो आमतौर पर लोग मर जाते हैं। मगर इन्होंने ये देखा कि काउपॉक्स का जो वायरस है वो देखने में सिमिलर है फंक्शन में किसके जैसा, चिकन पॉक्स के जैसा। तो इन्होंने क्या किया, ये सोचा कि सबके बॉडी में अगर काउपॉक्स के वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाए कमजोर करके, तो पता चलेगा हो सकता है उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए चिकन पॉक्स से लड़ने के लिए। और वही काम इन्होंने किया, आप फोटोग्राफ में देख रहे होंगे कि ये वैक्सीनेशन दे रहे हैं, काउपॉक्स का वैक्सीन डाल दिया जिसके वजह से लोग इम्यूनाइज्ड हो गए और उनको चिकन पॉक्स लगभग कह सकते हैं कि अब उस तरीके से नहीं हो रहा था जैसे पहले होता था कि गांव के गांव पूरे खत्म हो जाते थे। थोड़ा बहुत होता था, होगा तो 4-5 दिन तक होगा, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाता था क्योंकि उसका WBC सबका स्ट्रॉन्गर हो गया था।
Got it? Yes, sir. Piyush Tripathi. Yes, sir. बोलो सर, वैक्सीन लगवाने के बाद उसका इन्फ्लेमेशन भी होता है क्या? वैक्सीन लगवाने के बाद उसका इन्फ्लेमेशन भी होता है? इन्फ्लेमेशन हाँ होता है। अभी अभी कोविड का वैक्सीन लगा तो आपको कहा गया होगा कि हो सकता है हल्का सा फीवर आए या ये सब आए, क्योंकि उसको डेड या वीकेंड कर दिया जाता बेटा। मगर अगर वीकेंड कर दिया जाता है तब भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव दिखाएगा वो, और आपका WBC उससे लड़ेगा, और जब WBC लड़ेगा तो जब जब WBC लड़ता है तब तब वो इंफ्लेमेशन कुछ न कुछ शो करता है। मगर ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके अंदर ये देखा जाए। कुछ आदमी को बुखार हो सकता है, कुछ आदमी को नहीं भी हो सकता है, कुछ आदमी को हल्का हेडेक आ सकता है, कुछ को नहीं भी आ सकता है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, मगर कुछ न कुछ इंफ्लेमेशन होता है। इट्स ओके पीयूष? यस सर, थैंक यू सर। यस सर जी, हार्ट डाउन कर ले। डैडी साहब नीचे जा थड़े हिल लेते, जो मोबाइल होता नहीं मम्मी के दे दी है। इसकी आवाज है, मम्मी को मोबाइल कौन दे रहा है? अरे यार, आप क्लास कर रहे हैं, जरा ये सोच लिया करे यार। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को? ये कौन है, ये कौन? प्रियांशु कुमार, आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया? हाँ प्रियांशु सर, इन्फेक्शियस डिजीज को इम्यूनाइजेशन कर सही कर सकते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज को इम्यूनाइजेशन करके सही कर सकते हैं। देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? जो डिजीज स्प्रेड करती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर, ये ना। अब कोविड आपका क्या है? सर, इन्फेक्टेड पर्सन से। एक मिनट, आपका कोरोना क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज ही है ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ ठीक, अब इसको यस सर, इसको रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीनेशन। इसके अलावा देखिए कॉलरा, yes, sir. अगर आपका कॉलरा फैलता तो पूरे गांव में फैलना शुरू कर देता है, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? वैक्सीनेशन। चेचक क्या है? ये भी आपका इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि स्मॉल पॉक्स, इसका भी सबसे अच्छा इलाज क्या है? वैक्सीनेशन। तो हम यही कह सकते हैं कि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज है उनका सबसे अच्छा समाधान होता है वैक्सीनेशन, और इसीलिए वैक्सीनेशन के ऊपर इतने करोड़ों रुपए हमारी सरकार खर्च करती है। Got it? Yes, sir. एक बार पेप्टिक अल्सर बता दीजिए। पेप्टिक अल्सर हाइलोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है। पहले इसे माना जाता था ये क्रोनिक डिजीज है, मगर बाद में आपके वारेन और एक और मार्शल करके आपके दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया कि जो आपका ड्यूडेनियम का एरिया होता है वहीं पर स्वेलिंग पाई जाती है जहां पर यह हाइलोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। बाद में इन्होंने ये पाया कि इस बैक्टीरिया को बड़े आसानी से कुछ एंटीबायोटिक का यूज करके और खत्म किया जा सकता है, और आज के समय ये जो आपका पेप्टिक अल्सर है ये आपका क्रोनिक डिजीज नहीं रहा है, बल्कि ये आपका एक्यूट डिजीज हो गया है, और आसानी से कुछ हम लोग कह सकते हैं एंटीबायोटिक का यूज करके उस बैक्टीरिया को मार करके और कह सकते हैं लोगों को रिलीफ प्रदान कर सकते हैं। यस जी, थैंक यू सर। ओके अभिषेक, ओके टाइम आप लोग का खत्म होने वाला है, गुड बाय। नेक्स्ट सर, एक बार थोड़ा सा हट जाइए, लिखना है थोड़ा हट जाइए। बोले जरा, बोल पर से लिखना है सर, थोड़ा साइड हो जाइए। अच्छा ठीक है, एक मिनट।
दिख रहा है, लिखिए। चले लिख लिए। लिख ली बेटा।